सर बिल्कुल मुख्तसर बात करूंगा। देखिए इस दौर में ये जो इजाजत दी गई एक्सपोर्ट की और जो चीनी 53 रुपए से 100 रुपए हो गई, उसका जिम्मेदार कौन? मैं ये कहूं कि 13.5% में जो स्टेट बैंक ने कर्जा लिया, जो सारी हार्ट मनी वापस चली गई और डॉलर उस वक्त वही स्टेबल, सबसे बड़ा स्कैंडल है, कितने यानी हंड्रेड ऑफ बिलियन का स्कैंडल है जो ये पैसा आया। वो पैसा अभी जब जैसे 7% रेट हुआ वो वापस चला गया और पाकिस्तान को 4,000 अरब रुपए पाकिस्तान को सूद भरना पड़ा। ये तेल की कीमत, मैं खुद तेल के पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में हूं, जब कीमत घट गई $15 ब्रेंट आ गया, इन्होंने बंद कर दिया, बैन कर दिया। इंडिया ने 6 महीने का हेज किया, ये जो करोड़ों रुपए के नुकसान करने लगी थी कि ऑपोजिशन लीडर ने भी फरूख साहब आपसे यही सवाल किया है कि आप गवर्नेंस के जवाब दें, आप उनकी टीटियों पर ना जाएं, वो इदारों को करें। देखें बात ये है कि जिस किस्म का जवाब इनसे मांगा जाएगा, शहबाज शरीफ की टीटियों का जवाब हमारी गवर्नेंस तो नहीं है, वो अपनी टीटियों का जवाब तो दें ना। ये तो कहते थे हम बड़े साफ सुथरे हैं, बड़े साफ शफाफ हमारे मामलात हैं, जब इनसे रसीदें पूछते हैं, कतरी खत ले आते हैं, जाली ट्रस्ट डीडे ले आते हैं। बुनियादी सवाल ये है, जितनी बातें अभी शेख साहब कह रहे थे चीनी की, पेट्रोल की, इस तरह की बातें शुरू करेंगे तो इनके ऊपर 101 रेफरेंस और बन जाएंगे। चीनी की कीमतें इनके दौर में बढ़ती रही, पेट्रोल की कीमतें इनके दौर के अंदर बढ़ती रही, बेशुमार चीजें हैं, SROs जारी किए के जाते रहे। जो बात हो रही थी आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनका सबका केस एक है, इनके मामला एक है, इनका तरीका है वारदात एक है। ये आज मिलकर इस छतरी के नीचे फजल रहमान साहब को इन्होंने जो है वो अपना रैंक कमांडर बनाया हुआ है, उन सबके केसेज एक हैं। वो तो कितने लाख रुपए की लस्सी पी गए, फिर डीजल के पंड ले गए, फिर आप आज वो उन % प्रिविलेजेस को जो है वो मिस कर रहे हैं। तो इनका मसला ये है कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये इक्तदार में आते हैं सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए नहीं आते, सियासत को इन्होंने कारोबार बना रखा है, करप्शन जो है वो इनका जरिया है, माश है। इस मुल्क की जड़ें इन लोगों ने खोखले की, अदारे तबाह किए, चुन चुन के ऐसे लोगों को इदारों पे बिठाया जो इनकी मदद करते थे इनकी करप्शन के अंदर। आज शहबाज शरीफ का जो टीटीज का केस है, इनके